बद्रीनाथ मंदिर के आसपास। अब हम लोग यहाँ पे होटल का व्यवस्था कर रहे हैं, देख रहे हैं किधर हम लोग को रात भर ठहरने के लिए मिल जाए। और यहाँ पे काफी ठंड है, तो आप लोग जब भी जो इंडिया का लास्ट गांव है, और इसके उस तरफ पहाड़ी के उस तरफ सीधा चाइना पड़ता है, तो मैं आपको एक बार यहां का पूरा व्यू दिखा दूं, नज़ारा ये देखिए। ये पूरे माना गांव का पहाड़ जो कि इंडिया का लास्ट बॉर्डर है, ये चारों तरफ का व्यू। ये उधर से पूरा चाइना शुरू हो रहा है। उसे ड्राइवर अंकल है, ये बताएंगे यहाँ के बारे में। क्या बताएंगे यहाँ के बारे में, क्या है ये, कौन सा जगह? ये लास्ट टेरिटरी है, लास्ट विलेज है, जो कि माना गांव बोला जाता है। इसके बाद चाइना लग जाता है, चाइना जो कि यहाँ से 64 किलोमीटर आगे माना पास पड़ता है, जो माना पास से फिर डायरेक्ट वो चाइना में एंटर करता है। अच्छा, दिस इज द लास्ट टेरिटरी ऑफ द इंडिया। तो सुन लिया दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर, बाय कर जी, बाय। चलिए तो आइए चलते फिर वापस। यहाँ का मौसम बहुत ही ठंड, बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है इधर। और यहाँ पे कहा जाता है कि 6 महीना ही खुला रहता है, 6 महीना बाद दिवाली के बाद ये पूरा बद्रीनाथ बंद हो जाता है, देख सकते हैं। से खाना बनाने का, और ये हमारे ड्राइवर अंकल, ड्राइवर कम कुक, आई एम द बेस्ट ड्राइवर ऑफ द वर्ल्ड, ड्राइवर कम कुक। ये देखिए मल्टी स्पेशलिटी, बिहार का फेवरेट चावल दाल और आलू का भुजिया बनाया जा रहा है। ये किचन, यू वांट टू ईट, कम विद अस। हां बिल्कुल, क्या बोलना चाहेंगे? यू वांट टू ईट, सो कम विद अस and enjoy your life. Oh, oh, nice. This is the good heaven. चलिए का डिनर तैयार हो गया है अपने चूल्हे पे, अपने चूल्हे पे और खुद के हाथों का रोटी दाल और भुजिया। और ये हमारे गुरुजी, इनको ज्यादा ही ठंड लग गई है, टू पीस स्वेटर डाल के। और ये हमारे त्यागी भाई, अभी कुछ देर पहले तो एकदम हीरो बन रहे थे, अब बोल रहे बहुत चला नहीं जा रहा है। नो, किसकी बात कर रहा है? और देखिए, ये देखिए, इधर गए, बोले गुरुजी, गुरुजी बोले आगे हमारे। गुरुजी खाना कैसा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर लाजवाब, वन टू ऑल, बहुत बढ़िया, ये देख सकते हैं, बहुत बढ़िया खाना। अंकुर भैया, अगर तुमको नहीं, ये सब इनका कमाल है, यकीन मानना। आप दाल बड़ी कर रहे मेरी, आप दाल बड़ी है, कल दाल में पानी पानी कर रखा था। अरे तो वो यार, वो वहां की बना रखी थी, ये मैंने बनाई है गुरुजी, रोटी दाल बनाई है। हाँ, एक नंबर सर, एक नंबर सर ने सारा कर दिया। खाना अच्छा है? बढ़िया। चलिए, अपने हाथों का बना हुआ शुद्ध भोजन,
वाह, देसी घी का तड़का, देसी घी का तड़का और अंग अंग फड़का, अंग अंग फड़का बिना लहसुन प्याज, बिना लहसुन प्याज। और देखिए प्याज आ गया, और बताइए और क्या चाहिए दर्शन भाई।